हां जी, सत श्री अकाल जी सारिया नू। अज आप गल करांगे वर्ल्ड दियां टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनीज दी, जेड़ियां वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज्यादा फेमस ने ते इंडिया विच भी। जे वीडियो मैं 2012 विच बना रही हुंदी तां इस लिस्ट विच सोनी, माइक्रोमैक्स, नोकिया ए सारियां कंपनीज टॉप ते हुंदियां। जे वीडियो आपां 2014 विच बना रहे हुंदे तां माइक्रोमैक्स, माइक्रोसॉफ्ट, लावा ए सब कंपनीज टॉप लिस्ट विच आउणियां सन। पर आज स्मार्टफोन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है कि हर 2-4 साल बाद प्लेयर्स के नाम चेंज हो जाते हैं। 2012-14 च जेड़ियां कंपनीज मार्केट लीडर सन, अज के समय उन्हों का वजूद ही नहीं रहा। तो जेड़ी लिस्ट हूँ आप ओपन कर जा रहे हैं, उहदे विच भी बहुत सारिया गल्लां एवें दियां होणगियां जो तुहाडी सोच तो भी परे होणगियां। सो आओ सरप्राइज नाल भरिया ये शानदार वीडियो शुरू करिए। बट शुरू करन तो पहला चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो जी, क्योंकि इस चैनल ते टेक्नोलॉजी ते स्मार्टफोन नाल जुड़ी हर जानकारी तुहानू बिल्कुल सरल पंजाबी विच मिलिया करूगी। बेसिकली इत्थे आपां नंबर 5 तों शुरुआत करांगे। 5वें नंबर ते जो कंपनी ग्लोबली सब तो ज़्यादा स्मार्टफोन शिपमेंट करती है वह है हुआवे। हुआवे दे फोन एकदम प्रीमियम सेगमेंट दे हुंदे हन। 2018-19 तक सैमसंग तो भी अगे जेड़ा ब्रांड एप्पल नू सीधा सीधा टक्कर दिंदा सी ओ हुआवे ही सी। हुआवे दा चाइना मैनुफैक्चर प्लांट कोई मोबाइल फैक्टरी नहीं, एक छोटा जिहा शहर ही लगदा सी। 2020 दी शुरुआत तक जिथे पहला हुआवे ने 20% मार्केट कैप्चर कीती हुई सी, उत्थे जदों US गवर्नमेंट ने हुआवे दे गूगल प्रोडक्ट्स यूज करन ते बैन लगाता तां हुआवे दी सेल मुद्दे मूँह आवजी ये सिर्फ 4% ते ही रह गई। फिलहाल हुआवे इसका हल कढ़न की कोशिश कर रहा है, जिस विच काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। आशा करते हैं हुआवे एक बार फिर बाउंस बैक जरूर करूँगा। 4th नंबर ते जो कंपनी सब तो ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है वो है ओपो एंड वीवो। 2020 दे सेकंड क्वार्टर विच जो रिपोर्ट निकल के आई सी, आपां साफ देख सकते हैं कि इन्हां दोवां कंपनीज दा मार्केट शेयर 10-10% नाल बिल्कुल बराबर है। रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ते इन्ना भारी खर्च करन दा ही नतीजा है कि कई नवियां ते कमाल दे मैकेनिज़म सब तो पहला ओपो वीवो ही मार्केट विच लैके आए, लाइक पॉपअप सैल्फी कैमरा ते इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। इस तों अलावा कैमरा ते फोन्स दी स्लिम लुक तां इन्हां दी कमाल दी हुंदी ही है। इस तों बाद जे गल करिए मार्केटिंग दी, बेसिकली ये दोवें कंपनीज ऑफलाइन मार्केट ते ज़्यादा फोकस करदियां हन। मार्केटिंग ते जिन्ना पैसा ओपो वीवो ने इन्वेस्ट किया है उन्ना कोई होर कंपनी नहीं कर रही। स्पेशली इंडिया विच तां हर छोटी वड्डी स्मार्टफोन शॉप नूं इन्हां अपने रंग विच रंग दिता है। बॉलीवुड के टॉप सैलीब्रिटीज तो लैके क्रिकेटर्स तक सब ओपो वीवो की ही प्रमोशन कर रहे हैं। अपनी मार्केटिंग लई ओपो वीवो IPL तो लैके इंडियन क्रिकेट टीम तक सबनों स्पॉन्सर कर चुकी है। पर वीवो ओपो दे इन्नी छेती ग्रो करन दा सब तो वड्डा रीजन है लोकल शॉपकीपर्स। ये दोवें कंपनीज बाकी कंपनीज दे मुकाबले शॉपकीपर्स नूं बहुत तगड़ा मार्जिन दिंदियां हन। सो दुकानदार आप इन्हां दोवां कंपनीज नूं प्रमोट करता है, जो इन्हां दी सफलता दा टर्निंग पॉइंट साबित होया है। इस तों बाद 3rd नंबर ते जेड़ी कंपनी ने कब्जा कर रख्या है वह है एप्पल। एप्पल एक साल विच मसा 4-5 आईफोन मॉडल ही लॉन्च करता है, पर फिर भी शिपमेंट के मामले विच 3rd नंबर ते आउंदा है, क्योंकि अज दे टाइम एप्पल अपने आप विच एक स्टेटस सिंबल बन चुकिया है। कोई भी परसन जो स्मार्टफोन ते टेक्नोलॉजी बारे भावें बाला कुछ नहीं जानता होवे, वह लाइफ विच कदे ना कदे आईफोन जरूर रखना चाहता है। एप्पल अपने किसी भी प्रोडक्ट नाल कदे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आपां नूं एप्पल दे हर प्रोडक्ट विच वर्ल्ड क्लास बेस्ट क्वालिटी ते बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस ही देखन नूं मिलता है। पर जे गल करिए इंडिया दी, तां इत्थे एप्पल टॉप सैलर्स दी लिस्ट विच बहुत पिछे है। इंडिया विच तां एप्पल दा मार्केट शेयर मसा 2-3% ही है। सब तो वड्डा कारण है इंडिया विच इन्हां दा प्राइस। हुण तक आईफोन इंडिया तो बाहर बनदे सन, ते गवर्नमेंट रूल्स दे अकॉर्डिंग हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगन करके इसका प्राइस बाकी कंट्रीज नालों बहुत ज़्यादा हाई हो जाता सी। पर जदों दे आईफोन इंडिया विच बनने शुरू होए हन, इन्हां दा प्राइस बहुत थल्ले आ गया है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 11 सेल विच 45,000 दे नेड़े तेड़े ही मिल जाता है।
इन्ना सस्ता तो US विच भी नहीं मिलता। इस लई काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम विच एप्पल इंडिया की भी टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनीज विच आ जाए। नंबर 2 ते है Xiaomi। 2010 तो जदों का यह ब्रांड लॉन्च होया है, इसने पूरी स्मार्टफोन मार्केट विच तहलका मचा रखा है। पहला इसने एप्पल नू ओवरटेक करके नंबर 2 ते कब्जा कीता ते हुन सैमसंग दी कुर्सी खतरे विच है। मार्केट रिसर्च अकॉर्डिंग इसने जून महीने विच सैमसंग नू पिछे छड़ के दुनिया ते सब तो ज्यादा स्मार्टफोन सेल कीते हन। हालांकि क्वार्टरली रिपोर्ट अकॉर्डिंग हजे सैमसंग ही मार्केट लीडर है, पर जून दे महीने विच सैमसंग नू पछाड़ के Xiaomi ने उस दी कुर्सी नू खतरे विच पा दिता है। Xiaomi दे फोन वैल्यू फॉर मनी होण करके वर्ल्ड वाइड सब नू बहुत पसंद आउंदे हन। एंड नाउ द स्मार्टफोन किंग इज कमिंग, ओ है सैमसंग, जिन्ने पिछले कई सालां तो नंबर 1 ते कब्जा जमा रख्या है। ए एक लोती कंपनी है जिसका कोई सब ब्रांड नहीं है। इस इको ब्रांड दे अंडर सैमसंग दे फोन 1500 तो शुरू होके 2 लाख तक जांदे हन। प्रीमियम सेगमेंट विच इन्हां दी नोट एस ते फोल्ड सीरीज दे फोन आउंदे हन, ते बजट सीरीज विच AFMS वर्गियां कई सीरीज आउंदियां हन। एप्पल जिन्ना पावरफुल तो नहीं, पर सैमसंग भी अपने आप विच एक स्टेटस सिंबल है जो इन्हां ने सालां तक क्वालिटी मेंटेन करके बिल्ड कीता है। ਭਾਵੇਂ Xiaomi ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਮ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵਧੀਆ ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।